चलिए स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू में अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन, सॉरी माइनस, प्लस और डिवीजन, ये तीन ही ऑपरेटर्स काम में आ रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जैसे कि बोडोमास के स्पेलिंग में एस डी के बाद आता है, ए डी के बाद आता है पर एस के पहले, तो शुरुआत हमको डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन किसका करेंगे? 1/4 का। तो देखिए एक्सप्रेशन कैसे आएगा, 4 माइनस पूरा का जैसा का वैसा आएगा, चेंज सिर्फ यहाँ पे आएगा। 1/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 × 2 + 1 कितना होता है, 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9, 9 / 4। अब ये हो गया इसका आंसर, इस फ्रैक्शन का आंसर। इस फ्रैक्शन को अगर मैंने रेसिप्रोकेट किया तो आंसर कितना आएगा, 4 − 5 / 1 + 1 / 3 + 4/9, करेक्ट। अब इसको फिर से कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए 4 − 5 / 1 + 1 / 9 = 27, 27 + 4 = 31, 31 / 9। अब फिर से इसको रेसिप्रोकेट करना होगा, 4 − 5 / 1 + 9 / 31। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, 4 − 5 / 31 + 9 = 40, 40 / 31। अब इसको फिर से रेसिप्रोकेट करना होगा तो कैसे आएगा आंसर, 4 − 5 × 31 / 40। अब हम जानते हैं कि 5 और 40 डिवाइड हो सकते हैं, कैसे, 5 × 5 = 40, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 8 × 4 = 32 − 31 / 8, ठीक। तो आंसर कितना आया, 1/8, जो रहा इस एक्सप्रेशन का आंसर। तो इस तरीके से हम वी बोडोमास रूल को यूज कर सकते हैं।